नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मणकू। मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम मार्केट जैसी पाव भाजी बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये 5 हमने मीडियम साइज के टमाटो लिए हैं। इन्हें हम बॉईल करके इनकी स्किन निकाल के इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। 4 मीडियम साइज के आलू हैं, जिन्हें बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च है, जिसके हमने सीड्स निकाल लिए हैं, इन्हें बारीक काट लेंगे। 1/2 बॉल पत्ता गोभी है, जिसे बारीक काट लिया है। 1/2 बॉल कॉलीफ्लावर है। 1/4 कप फ्रोजन मटर है। 1 पीस गाजर है। 2 मीडियम साइज प्याज। 5-6 कलियां लहसुन की। 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का। मैं ये पाव भाजी का मसाला घर पर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट में जो रेडीमेड मसाला मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 4 लौंग हैं, 1/2 चम्मच मेथी दाने हैं और 1 चम्मच कसूरी मेथी है। अब मसाले रोस्ट कर लेते हैं। ये इस तरह घर पर बनाया हुआ मसाला भाजी के टेस्ट को और बढ़ा देगा। ये थोड़े रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मसाला तैयार कर लिया है। पहले पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देते हैं। जो सब्जी देर में गलती है उसे हम सबसे पहले डालेंगे। गाजर सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देते हैं। हर मौसम में ग्रीन वेजिटेबल मिल जाती हैं, जब भी आपका मन चाहे आप इसे बना सकते हैं। और इन्हें सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं। एक दो मिनट बाद इसमें फूल गोभी डाल देते हैं। फूल गोभी मैंने ग्रेट कर ली थी, जिससे ये जल्दी पक जाती है और मिक्स भी अच्छी होती है। सभी सब्जियों को अच्छे से सॉफ्ट कर लें और फिर इन्हें मैशर से मैश कर लें। सब्जियां सारी पक गई हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। आप चाहें इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या इवनिंग टाइम, ये खाने में हमेशा अच्छी लगती है। और टमाटर को सब्जियों के साथ मिक्स कर देते हैं। टमाटर को भी हम थोड़ा पका लेते हैं। वैसे इसे हमने उबाल कर, छील कर और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था, इससे जल्दी पक जाएगा। जब तक हमारी भाजी पक रही है, हम दूसरी साइड पर तड़का लगा लेते हैं। पैन में वेजिटेबल ऑयल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देते हैं। लहसुन पक जाए फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो कि हमने चॉप करके रखा है। प्याज थोड़ा पक जाए, अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक का डाल देते हैं। अदरक का पेस्ट है ये। और प्याज को हम पका लेते हैं लो फ्लेम पर। इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रखना है इसे। जब तक हमारे प्याज पक रहे हैं, हम साथ साथ भाजी को भी मैश कर लेते हैं। भाजी को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल मार्केट जैसी भाजी जैसा।
हमने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। इस तरह से, और अब हम प्याज में थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जब हम प्याज को भाजी में मिक्स करेंगे तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब हम फ्रोजन बटर भी इसमें ऐड कर लेते हैं और उन्हें भी मैश कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मटर को भी मैश कर लेते हैं। अब जो आलू हमने बॉईल करके और ग्रेट करके रखे थे उन्हें भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब आलू को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके मैश कर लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी भी डाल लेते हैं। आप भाजी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे पतला कर लें। ये देखिए, भाजी का कलर बिल्कुल मार्केट जैसी भाजी जैसा आया है। अब इसमें बटर ऐड कर देते हैं जो भाजी को और स्मूथ बना देगा। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। भाजी ऑलमोस्ट पक गई है। अब हम तड़के में 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च, जो इसका कलर बहुत अच्छा लेकर आएगी, और 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देते हैं जो कि मार्केट का है। सभी को मिक्स कर लेते हैं। इधर तड़का भी हमारा तैयार हो गया है और भाजी भी ऑलमोस्ट पक गई है। जो मसाला हमने घर पे तैयार किया है उसे भी अब भाजी में ऐड कर देते हैं ताकि ये भाजी के साथ अच्छे से पक जाए। इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। मसाले में हम थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं और फिर उसमें बटर डाल देते हैं। बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए। अब इसे हम भाजी में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भाजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से भाजी भी खूब अच्छे से मैश हो गई है और मसाला भी मिक्स हो गया। अब पाव गरम कर लेते हैं। उसके लिए 1 क्यूब मैंने बटर जो पैन में डाला है, जब बटर गरम हो जाए तो फिर इसमें हम थोड़ी सी भाजी डाल देंगे। बटर गरम हो गया है, अब ये भाजी डाल देते हैं और पाव को इस तरह से भाजी के साथ मिक्स करके इस तरह गरम कर लेते हैं। ये देखिए, पाव को दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लेते हैं। ये देखिए, नाउ एंजॉय दिस डिलीशियस पाव भाजी। आप भी इसे बनाएं और बताएं कैसी बनी है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।